हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश की पोयम व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज़। तो देखिए, स्टार्टिंग में हमें बताया गया है कि एज अ जो यंग अप्रेंटाइज आर्किटेक्ट, मतलब जो प्रैक्टिस करते हैं ना आर्किटेक्ट, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाने का काम होता है वो आर्किटेक्ट करते हैं, तो यंग थे वो, अप्रेंटाइज प्रैक्टिस कर रहे थे। ये ब्रिटिश पोएट थे, ये नॉवल भी लिखते थे, थॉमस हार्डी। वो एक बार एक थोड़ा ख़राब हुए चर्च में, जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, उसको सही करने के लिए, रेस्टोर करने के लिए एक चर्च में जाते हैं। जब वो वहाँ से आते हैं तो जो लोग हैं वो नोटिस करते हैं कुछ चीज़ें, जो पोएट हैं उन पे वो देखते हैं कि उनकी आईज में जो है वो काफ़ी ज़्यादा चमक आ गई है, और उनकी जो पॉकेट है, जो उन्होंने कोट सा पहना हुआ है, उसकी पॉकेट में एक पेपर जो है चिपका हुआ है, और यही पेपर जो है उनकी बायोग्राफी, जो ये राइटर हैं, जो पोएट हैं, इनके बायोग्राफी में ये पोयम थी उस वाले पेपर पे, वो हम अभी पढ़ेंगे। और उस पोयम का नाम है व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज़। अब ये लियोनीज़ क्या है, ये देखिए हमें लास्ट में बताते हैं कि इन्होंने जो मीनिंग वाला होता है ना ग्लॉसरी, कि लियोनीज़ ना एक मतलब ऐसी जगह है, मिस्टिकल है, मतलब वो इमेजिनरी आप कह सकते हैं कि वो अब है, नहीं है, पहले हुआ करता था, या फिर सिर्फ इमेजिनेशन में है लोगों की, सिर्फ लोग ऐसा सोचते हैं कि वो होगा। तो इंग्लैंड की एक जगह मानी जाती है जो अब सी के अंदर समुद्र के नीचे डूब चुकी है, उस जगह का नाम था पहले लियोनीज़। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए पोयम। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज़ 100 miles अवे द राइन वॉज ऑन द स्प्रे एंड सन एंड स्टार लाइट लिट माई लोनली समनेस। तो इसमें क्या है, जो पोएट है वो बोलते हैं व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज़, जब मैं निकला लियोनीज़ के लिए, जो 100 miles अवे है, जो बहुत दूर है, जो राइम है वो स्प्रे था। कहाँ पर राइम का मतलब होता है फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट होता है जो ओस की बूंदें या फिर आइस के क्रिस्टल्स, जैसे बर्फ़ जमी हुई हो, स्प्रेड कहाँ पर एक पत्तियों पर, डालियों पर जो है वो बिल्कुल बर्फ़ जमी हुई थी, कहाँ पर लियोनीज़ में, जो कहाँ था 100 miles अवे था। एंड स्टारलिट लेट माई लोन समनेस, और जो शाम का मौसम था, रात का मौसम था, और तारे चमक रहे थे, तो वो मेरी जो लोन समनेस है, मेरे अकेलेपन को लिट कर रहे थे, चमका रहे थे। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज़ 100 miles अवे, फिर से पोएम का रिपीटेशन होता है कि जब मैं गया था लियोनी, जो कि बहुत दूर है। व्हाट वुड बी चांस एट लियोनी When I should sojourn there, no prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess. तो बिचांस का मतलब होता है, देखिए हमें आगे इसमें बताया हुआ है ग्लॉसरी में, बिचांस का मतलब होता है चांस टू हैपन, ऐसा हो गया। डस्ट का मतलब होता है डेयर, मतलब हिम्मत करना। तो जब मैं लियोनी जाने का मुझे चांस मिला, तो वाइल आई शुड सजॉन दिया, देखिए सजॉन का मतलब भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, सजॉन का मतलब होता है स्टे करना, और जब मैंने लियोनी में जो है स्टे किया, मैं रुका, कोई प्रॉफिट होते हैं, कोई किसी रिलीजन के, किसी धर्म के ऐसे धार्मिक नेता आप मान लीजिए जिनको लोग बहुत मानते हैं, तो कोई प्रॉफिट भी डेयर नहीं कर सकता था, हिम्मत नहीं कर सकता था ये डिक्लेयर करने की, ये घोषणा करने की, या फिर कोई वाइजेस्ट विजर्ड, वाइजेस्ट मतलब बहुत ही होशियार, विजर्ड मतलब जिसको जादू के बारे में कुछ पता हो, जो भविष्यवाणी कर सकता हो, तो वाइजेस्ट विजर्ड भी ये गैस नहीं कर सकता था। व्हाट वुड बी चांस एट लियोनी व्हेन व्हाइल आई शुड सजर्न देयर, तो वहाँ पर क्या हुआ बाय चांस मेरे साथ लियोनी में, क्या हो सकता था वहाँ पर, ये कोई भी गैस नहीं कर सकता था जब मैंने लियोनी में वहाँ पर स्टे किया था। सजॉन का क्या मतलब होता है, ये देखिए इसका मतलब होता है स्टे करना। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनी, जब वो रिटर्न हुए, वापस आए जो पोएट थे उस जगह से, विद मैजिक इन माई आईज, उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक जादू था, मैजिक का मतलब होता है जादू, तो उनकी आंखों में एक अलग सा जादू था। ऑल मार्क्ड विद म्यूट सरमाइस, जो सारे के सारे लोग हैं वो बिल्कुल म्यूट हो गए, चुपचाप। सरमाइस का मतलब होता है जैसे कि डिवाइन शांति हो, या फिर गैस कर रहे हो, स्पेक्यूलेट कर रहे हो, तो म्यूट सरमाइज मतलब चुप रह करके सारे के सारे लोग गैस कर रहे थे। माई रेडियंस एंड रेयर, माई रेडियंस रेयर एंड फेदमलेस,
रेडियंस मतलब जो चमक निकल रही थी, जो ऊर्जा निकल रही थी, रेयर, जो बहुत ही कम मिलती है। फैदमलेस का मतलब होता है जिसके मतलब डेप्थ का पता ना हो, वो इतना गहरा हो। व्हेन आई रिटर्न्ड फ्रॉम लियोनी विद मैजिक इन माय आईज, तो जब मैं लियोनी से वापस आया था तो मेरी आंखों में जो मैजिक था, सब लोग उसको देखते ही रह गए, म्यूट होकर, चुपचाप होकर, सरमाइज बिल्कुल गैस कर रहे थे कि ये क्या है, ये जो रेडियंस मेरी से निकल रहा है, जो बहुत ही अलग है, फैदमलेस है, बहुत ही ज़्यादा गहरा है, जिसकी हम गहराई नहीं नाप सकते। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनी विद मैजिक इन माय आईज, तो जब मैं लियोनी से वापस आया और मेरी आंखों में जो था वो मैजिक था। तो ये पोयम किसने लिखी है? ये लिखी है थॉमस हार्डी ने, और पोयम का क्या नाम है? पोयम का नाम है व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज, जब मैं लियोनी जाने के लिए वहाँ से निकला।